हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एहराज खान व्लॉग्स। दोस्तों, ये आज का वीडियो जो है वो एक सिंपल सा ब्रीफिंग सा वीडियो है, जिसमें मैं आपको अपने इस बार के दिल्ली सीरीज़, जो हमने दिल्ली की फ़ूड सीरीज़ करी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता था। इसलिए ये एक अलग से वीडियो शूट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा दिल्ली का एक्सपीरियंस आपको बताना चाह रहा था इस बार का। पहले भी हमने 5 महीने पहले दिल्ली की फ़ूड सीरीज़ करी थी, जो रेस्टोरेंट्स की थी। प्रॉपर फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स जो थे वो थे, अलबेग जो बहुत पॉपुलर है वो था। लेकिन इस बार की जो फूड सीरीज़ रही वो बहुत ही स्पेशल थी, बहुत ही अमेजिंग थी, डिफरेंट थी मेरे लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इस बार के सारे वीडियोज़ होने वाले हैं। क्योंकि हमने जो दिल्ली के सबसे ज़्यादा पॉपुलर फूड है और जो पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हैं, पुराने, बहुत बहुत पुराने रेस्टोरेंट जो हैं, हमने वो कवर करे हैं। ऐसे टॉप लेवल के मुगलई खाने जो दिल्ली के सबसे मशहूर खाने माने जाते हैं, मशहूर पॉइंट्स माने जाते हैं, जैसे कि नहारी है, तो ओखला की जो सबसे ज़्यादा मशहूर नहारी है वो कौन सी है वो हमने दिखाई है। ओल्ड दिल्ली की जो सबसे मशहूर नहारी है उसमें से जो हमने सिलेक्ट करी थी, तो एक जो हमने अलग करी थी उसको हमने इस बार दिखाया है, जो कि टॉप लेवल की नहारी है। वो वीडियो के बारे में तो मैं अभी बाद में बात करूँगा। सबसे पहले मैं अपने दिल्ली का एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि दिल्ली का हमारा जितने भी फूड ब्लॉग्स हमने बनाए हैं, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली नेचर के हैं। जिस रेस्टोरेंट में हम जा रहे थे ऐसा हमें वेलकम कर रहे थे कि मैं बता नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत कहने पर भी उन्होंने पैसे नहीं लिए, ऐसे दिलवाले हैं दिल्ली के लोग। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से वेलकम किया। वो समझते हैं कि फ़ूड ब्लॉग्स क्या हैं और इसकी क्या अहमियत है, वेलकम करते हैं, अच्छे से बनवाते हैं, और बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। लेकिन 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करना हुआ, अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्लाह की मंशा हुई तो हम ये व्लॉग्स बना पाए। वरना मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स ही कवर करता हूँ और रेस्टोरेंट्स ही जाता हूँ। जो मैं खाता हूँ वही मैं आपको दिखाता भी हूँ। लेकिन इस बार का बहुत ही मतलब हिम्मत करके और ऐसा भीड़ भाड़ में, ऐसा पब्लिक प्लेसेस में, बड़े बड़े नाम, ओल्ड दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमने शूट किया। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो सबसे पहले तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये वीडियोस हमारी बन पाई। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, उसके बाद जो है मैं याया भाई का थैंक्स कहना चाहूँगा, ग्लोबल ई सेंटर के याया भाई। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बात भी करी मुझसे, और बहुत सारी जगह उन्होंने कॉल कर दिए पहले ही ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए, हिम्मत भी बनाई। वो तो बहुत एक बहुत ही अलग नेचर के वो हैं, बहुत ही अच्छा उनका नेचर है, बाखलाक हेल्पिंग उनका एक नेचर है और सपोर्ट करते हैं, और उनको देख के ही दिल खुश हो जाता है। खैर, तो वाकया ये हुआ कि मैं कई जगह, अभी वो दिल्ली में नहीं थे, बाहर थे, तो वो जहाँ थे वहीं से उन्होंने कॉल कर दिया कुछ जगह, फिर वो दिल्ली आ गए तो मुलाकात भी हुई हमारी। अल जवाहर रेस्टोरेंट जो है वहाँ उन्होंने बात कर ली पहले ही कि मैं पहुँच रहा था, तो ये उनकी मोहब्बत है। तो याया भाई को सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि बहुत सपोर्ट किया, जिस तरीके से भी वो मिले और जैसे उन्होंने लोगों से बात करी, रेस्टोरेंट वालों से, तो उनका बहुत 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 शुक्रिया। तो वहाँ बैठे हुए थे, हम शूट कर रहे थे, मैं पहले आ गया था, वो थोड़ा बाद में आए, तो जो है बैठे हुए ऐसे मुझे देख रहे हैं और मैं शूट कर रहा हूँ बाहर, और मेरी अंदर नज़र गई तो भाई आया भाई मुझे बैठ के देख रहे हैं। देख के बहुत खुशी हुई, मिले, बातचीत करी। हालांकि वो किसी काम से आए थे, लेकिन मुझसे मिलने के लिए वो उस रेस्टोरेंट में आए, मुझसे 5-10 मिनट बैठ के हमने बात करी, और वहाँ के जो स्टाफ थे और वहाँ के जो लोग थे उनसे भी उन्होंने फिर पर्सनली कहा कि भाई ज़रा देख लेना, इनका शूट अच्छे से करा देना। तो याया भाई का भाई बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत वाले वो शख्स हैं, बहुत अमेजिंग शख्स हैं। जैसे कि खूबसूरत वो ब्लॉग्स बनाते हैं
ऐसे ही खूबसूरत उनका अखलाक भी है, जो उनसे मिलते हैं पर्सनली, उनसे मिलते हैं जानते हैं तो वो इस बात को जानते हैं कि याह्या भाई बहुत ही प्यारा अमेजिंग नेचर वाली शख्सियत है, बहुत बढ़िया, मतलब उनका मैं तारीफ में क्या कहूँ कि वो कैसे हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि याह्या भाई का शुक्रिया, उन सारे रेस्टोरेंट्स वालों का शुक्रिया जो जिनके पास मैं गया और बहुत उन्होंने सपोर्ट करा, बहुत अच्छे से बनवाया, बहुतों ने मैंने जैसा कि बताया पैसे भी नहीं लिए, लोगों ने इसरार करने के बाद भी नहीं लिए, तो ऐसा भी बहुत जगह हुआ। अच्छा, ये सारी फूड सीरीज़ जो मैंने इस बार बनाई है, एक एक दिन में दो दो शूट भी करे हैं, ये वाली सीरीज़ जो है वो रमज़ान से शुरू होगी, ये स्पेशली रमज़ान के लिए मैंने शूट किया है सारा, तो रमज़ान के फर्स्ट वीक से ये वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगे और एडिटिंग पे वर्क मैं शुरू कर दूंगा। अभी मैंने कोई वर्क नहीं किया, मैं सिर्फ शूट कर रहा हूँ, तो रमज़ान के पहले वीक से इंशाल्लाह शुरू होगा। मेरा इरादा, मेरी कोशिश ये है कि मैं दो वीडियोज़ हफ्ते में, वीकली दो वीडियोज़ मैं दिल्ली हमारे फूड सीरीज़ की डालूँ। पूरे रमज़ान मेरा ये रहेगा, चार हफ्ते में दो दो वीडियोज़ हर हफ्ते मैं दिल्ली के फूड सीरीज़ से डालूंगा। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मैं फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करता रहता हूँ, तो जो लोग कमेंट करते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, उन भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि रमज़ान के फर्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारी वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी। ये रमज़ान सीरीज़ हमारी चलेगी पूरी, दिल्ली की फूड सीरीज़ जो है वो रमज़ान की रौनकों में चलेगी। अच्छा, इन सारे वीडियो शूट के दौरान बहुत ही अमेजिंग सा जो वाकया हमारे साथ हुआ वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस वक्त DLF एवेन्यू साकेत में बैठे हुए हैं, और इस वक्त हम बैठे हैं कैना बीन्स कॉफ़ी वगैरह के लिए, बहुत अच्छा प्लेस है, तो हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने कॉफ़ी ले रखी है, कॉफ़ी अभी पीना शुरू भी नहीं करी है, अभी मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा यहाँ का एक एम्बियंस है, बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा माहौल है, और बहुत वैरायटी की यहाँ कॉफ़ीज़ मिलती हैं। तो हम बैठे हैं, यहाँ के स्टाफ से हमने पहले परमिशन ली, उसके बाद आपसे बात कर रहे हैं और कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त ख़ास एक्सपीरियंस जो हमारा रहा, बड़ा ही एक एडवेंचरस सा व्लॉग हमने बनाया। असल में तय ये हुआ था कि ओल्ड दिल्ली की जो सबसे पॉपुलर नहारी है हमें वो दिखानी थी, तो कुछ सिलेक्टेड हैं, उनमें से बहुत सारे अभी हमने शूट भी नहीं करे हैं, वो आगे नेक्स्ट अपने ट्रिप में करेंगे, लेकिन हमने उसमें से एक सिलेक्ट करी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो लोगों से पूछा और हमें जैसा पता चला कि भैया दिल्ली की ज़बरदस्त नहारी ये काउंट होती है, और एक घंटे डेढ़ घंटे में वो नहारी फिनिश हो जाती है। अब हुआ ये कि उस नहारी तक हमें पहुँचना था, तो मटिया महल बाज़ार से हम पैदल चले, ढूंढते हुए पता करते हुए, एड्रेस हमें पता था कहाँ जाना था, लोगों से इधर उधर शॉप वालों से पूछते हुए पैदल हम चले, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, रिक्शे से भी जा सकते हैं लेकिन हम क्योंकि पता करते हुए जा रहे थे तो इसलिए, अब रिक्शे से तो हम रुक रुक के पता नहीं कर सकते थे, तो हम जो है बहुत देर में पता करते हुए वहाँ पहुँचे। उस नहारी जो वो होटल है उसका नाम है कल्लू नहारी, बहुत पुरानी बहुत मशहूर नहारी है वो। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, शाम का वक्त था, नहारी का टाइम होने वाला था, तो वहाँ देर लगी भी नहीं थी, अभी शुरुआत नहीं हुई थी, उससे पहले ही वो फुल टाइट लोग खड़े हुए थे, फुल भीड़ खड़ी हुई थी, आधा घंटे से वो लोग इंतज़ार कर रहे थे नहारी का। अब जब मैं पहुँचा हूँ वहाँ पर तो मैंने कहा भाई यहाँ तो मैं नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि ऐसी भीड़ देख के मैं पहली बार मैंने ऐसा इतना रश देखा, ऐसी जगह मतलब जहाँ पर शुरुआत भी नहीं हुई है और वहाँ पर इतना भीड़, इतनी भीड़ है कि बाद में क्या होगा जब नहारी शुरू होगी। तो मैं तो डर गया, मैंने कहा भाई नहीं हो पाएगा। फिर हम एक जगह रुके, मेरे साथ मेरा कज़िन ब्रदर भी था, तो हमने कहा भाई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चलते हैं यहाँ से। तो जो है हमने कोल्ड ड्रिंक पी, तो अचानक से एक शख्स मुझे एक शॉप पर बैठे हुए दिखाई दिए, तो मेरा दिल चाहा कि मैं इनसे बात करूं, इनको बताऊं कि भाई मैं यहाँ किस सिलसिले में आया हूं। मैंने उनसे बात करी, उनको बताया, बड़े अच्छे से मिले, बहुत ही बाखलाक, बहुत ही शरीफ आदमी, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी, तो बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम किया, अपने पास बैठाया कि आप बैठिए, ओनर आएंगे, मैं उनसे आपकी बात करा दूँगा। तो मैंने उनसे कहा शुरुआत में कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे नहारी शूट करने आया था लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मैं यहाँ बना पाऊँगा।
क्योंकि शुगर मिला लें, एक सेकंड भाई, हम तो मीठे के चीटे हैं, आपको पता ही है। ये लीजिए पूरी शुगर हमारी अंदर चली गई, कॉफ़ी शुगर फ्री और एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, वो उस टाइप का अपना नहीं है। हम तो मीठी कॉफ़ी पीने वालों में से हैं। इतनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कॉफ़ी अभी गर्म है, देखते हैं कैसी। बढ़िया, मज़ा आ गया, बहुत अच्छी कॉफ़ी है, शुगर मिला के हमारे टाइप की हो गई। मीठी एकदम कॉफ़ी, बढ़िया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कल्लू नहारी की। तो जब हम ने उनसे बात करी, जो भाई साहब हमें वहाँ मिले और उन्होंने हमें वेलकम किया, बैठाया, चाय को भी पूछा, तो उन्होंने कहा आप वेट करिए। मैंने उनको बताया कि हम नहारी बनाने आए थे, लेकिन भीड़ देख के तो मुझे नहीं लग रहा कि हम ये नहारी वीडियो बना पाएंगे। और वो छोटी सी जगह थी, छोटा सा वो होटल है जहाँ पर एक देग रखी है, रोटी बनाने का स्पेस है, बस इतना ही स्पेस है, बहुत छोटी सी जगह है, और एक थोड़ी सी बैठने की, दो लोग बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, वो ऐसी जगह थी। तो बोले नहीं, आप जो हैं बिल्कुल बना सकते हैं, और जो है मैं आपसे ओनर की बात कराऊंगा, अभी आने वाले हैं, और उसके बाद आप बनाइएगा। ठीक है, हम बैठ गए, इंतज़ार करते रहे, उससे बात होती रही। ओनर आ रहे रिक्शे में बैठ के, आवाज़ मारी उन्होंने, जो जिन भाई से हम बात कर रहे थे, ओनर को आवाज़ मारी, ओनर रिक्शे से फ़ौरन उतर के हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि भाई ये इस मकसद से आए, इनको वीडियो बनानी है। वो ओनर सबसे पहले तो भाई इस वीडियो के लिए भी ये अल्लाह का करना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बनवा दिया, उसकी मंशा थी कि वो बन गया, वरना हम जाने वाले थे, हमें बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल सोच चुका था कि हम नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो नहारी की वीडियो बन गई। दूसरा, वो भाई जो बैठे हुए थे जिनसे मैंने बात करी, बहुत ही बाखलाक, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत बढ़िया आदत के वो थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। दूसरा, और उन्हीं के साथ साथ तीसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा भाई, वो जो ओनर हैं उसके, कल्लू नहारी के ओनर मिस्टर फैसल, वो बहुत ही बढ़िया। इतनी टाइट भीड़, उन्हें पता था कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने एक बार भी ना नहीं करी, सोचा भी नहीं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप बनाइए। तो भीड़ थी, मैंने कहा मैं अंदर कैसे जाऊँ, बोले बस आपको इस भीड़ में से ही अंदर घुसना है। तो खैर, मैं कैसे करके मैं अंदर गया। फैसल भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आदत के ओनर हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, डेढ़ घंटे में उनकी देख साफ होती है, वो अपना चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मोहब्बत, बहुत अच्छे से वेलकम किया। बहुत फैसल भाई तक अगर मेरी बात ये पहुँचे तो भाई कोई, मैं वैसे उनको थैंक यू करके आया था, लेकिन बहुत ही अच्छे आदत के हैं, ऐसे ओनर होते हैं जो जिनका इतने अच्छे अखलाक होते हैं, इतने खूबसूरत अखलाक होते हैं कि जायके के साथ साथ, जैसा कि मैं कहता हूँ, अखलाक की खूबसूरती से माहौल भी खूबसूरत हो जाता है, उनमें से ये ओनर हैं फैसल भाई। तो मैं अंदर गया, अंदर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाई, हालांकि बड़ा ऐसा था कि भीड़ टूटी पड़ी थी, लेकिन बेचारों ने, फैसल भाई ने बहुत सपोर्ट किया। अब भीड़ इतनी टाइट थी, मैंने अंदर का थोड़ा सा बनाया, उसके बाद अब मुझे बाहर आना था। ये एक्सपीरियंस मैं आपसे इसी ही शेयर कर रहा हूँ कि बहुत ही अनोखा, मैंने, मुझे नहीं लगता कि आगे भी शायद ऐसा मैं एक्सपीरियंस मुझे हो कि इतनी भीड़ वाला और ऐसा अमेजिंग सा वीडियो मैंने बनाया है। और बहुत ही ज़बरदस्त नहारी थी, बहुत ही टेस्टी नहारी थी, मज़ा ही आ गया। वो भीड़ क्यों थी, दूर दूर से लोग वहाँ आए हुए थे खाने के लिए, क्या वजह थी भाई, बहुत टेस्टी नहारी है, बहुत ज़बरदस्त नहारी। तो अब मुझे बाहर निकलता था, मैं बाहर निकलने के लिए जो है, मैं बाहर निकलने के लिए मैंने पहले अपना हाथ बढ़ाया, कैमरा मेरे हाथ में था, ऊपर मैंने कर लिया था, भीड़ टूटी पड़ी थी, एकदम ऐसा था जैसे फ्री में मिल रहा हो, फ्री में भी लोग ऐसे नहीं खाते हैं, तो फुल टूटी पड़ी थी। मेरा पहले हाथ निकला, तो कुछ लोगों ने मुझे देखा कि मैं बाहर निकलना चाह रहा हूँ उस भीड़ में से, उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और मुझे खींचा, और आवाज़ भी करते रहे भाई भाई का कैमरा ना टूट जाए, भाई का कैमरा ना टूट जाए। इस तरीके से उन्होंने पकड़ के मुझे बाहर निकाला, मैं आधा निकला, अब आधा अभी भी मैं अंदर ही हूँ। फिर एक जोर लगाया, पुश करा, उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ गया, अब भाई आधा काम हो गया। तो फिर मैं उनसे, बिना भाई से, जिन्होंने ओनर से बात कराई थी,
मैंने कहा भाई आधा काम तो हो गया, अब मैं बैठता हूँ, ये भीड़ कम हो जाए, उसके बाद फिर मैं नहारी लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक डेढ़ घंटे में ख़त्म हो जाती है, आपको अभी लेना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, फिर कोशिश करता हूँ मैं। उसी भीड़ में मैंने फैसल भाई को इशारा किया, फिर वही फैसल भाई की मोहब्बत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे वो इंसान हैं, बहुत सपोर्टिव। जैसे जिस तरीके से उन्हें ज़रूरत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ कि उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो वीडियोस बनवाएं, उनका वैसे ही अल्लाह ताला ने ऐसा मकबूल कर रखा है उनका मामला। लेकिन फिर बेचारों ने मेरा चेहरा देखा और उस भीड़ में से उन्होंने झोड़ते हुए करते हुए मुझे नहारी दी, तो मैंने ऊपर से नहारी भीड़ में से ऐसे ले ली। फिर उसके बाद मैंने उन्हें आवाज़ मारी, मैंने कहा रोटी, तो फौरन जल्दी जल्दी बेचारों ने एक रोटी भी लेके आवाज़ मार के मुझे रोटी दी। तो वहाँ हालत ये थी कि जिसे जो जगह मिल रही थी वो वहाँ खा रहा था, एक्टिवा पे आया है एक्टिवा पे खा रहा था, बाइक पे आया है बाइक पे खा रहा था। मतलब एक और अजीब अमेजिंग सा माहौल था, पता ही नहीं चल रहा था ये हो क्या रहा है। बहुत मज़ा ही आ गया था मुझे, वो बहुत मेहनत ज़रूर लगी थी, लेकिन मेहनत के साथ जितनी मेहनत लगी उतना ही मुझे मज़ा भी आया, मैं सही बता रहा हूँ। फिर वहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन और उनका है, उनकी नहारी की स्पेस से ज़्यादा है, तो वहाँ पर घी वगैरह गर्म होता है, कुछ बेंचेस उन्होंने रखी हुई हैं, स्लैब डली हुई है, तो वहाँ पर घी होके गर्म होके जाता है, प्लस बर्तन धुलने का भी पोर्शन वहीं पर है, वो सारा एक थोड़ा सा आगे चल के सेटअप है। वहाँ पर हमें जगह मिल गई, हमने वहाँ पर नहारी खाई, आप लोगों से शेयर भी किया, मतलब करूँगा वीडियो, मेरी पहली वीडियो इंशाल्लाह कल्लू नहारी की होगी। वहाँ लोगों से बात करी, बहुत बहुत दूर से लोग आए हुए थे नहारी खाने, वो भी वीडियो में है, आप तक पहुँचेगा। तो भैया बड़ा मज़ा आया। तो ये दिल्ली का मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। ओखला की सबसे मशहूर नहारी हमने कवर करी है, पुरानी दिल्ली की सबसे मशहूर नहारी हमने कवर करी है, और जितने ओनर्स मिले सब बहुत मोहब्बत वाले मिले, बहुत ही अच्छे लोग मिले जिन्होंने बहुत अच्छे से वीडियो बनवाई, सपोर्ट किया। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम बना पाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से सब अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस बनी। सब लोगों का जो एक वो रहता है ना कि हम अलीगढ़ से आए हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत बड़े व्लॉगर हैं, बहुत हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, बड़ा ऐसा भी नहीं है, शुरुआती है और थोड़ा बहुत जो है जो आप लोग पसंद करते हो, मोहब्बत करते हो, बस यही है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने दिया है, जितने लोग पसंद करते हैं यही अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इसके बावजूद सब ने बहुत सपोर्ट किया, बड़ा मज़ा आया। दिल्ली की सीरीज़ मेरी इस बार की रमज़ान की सीरीज़ जो है, ये तो है ही, रमज़ान के बाद भी मैं फिर दिल्ली आऊँगा, और जो बाकी की मशहूर नहारी के पॉइंट्स हैं और बाकी की जो मशहूर पॉइंट्स हैं उन्हें भी मैं इंशाल्लाह अगली बार कवर करूँगा। अब रमज़ान शुरू होने वाले हैं, अब मैं वापस अलीगढ़ जाऊँगा, एडिटिंग शुरू करूँगा, और रमज़ान के पहले हफ्ते से मैं वीडियोस डालना शुरू करूँगा। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे से बन गया। सेकंड यहाँ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोहब्बत उनकी। तीसरा हर ओनर का, हर रेस्टोरेंट वाले का जिसने वीडियो बनवाई, जिसने इतना सपोर्ट किया, और बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ ही ऐसे होंगे जो पैसे देने पड़े हों, वो भी ओनर्स नहीं होते हैं जहाँ पर, बाकी कोई मतलब ज़िद करने के बावजूद भी पैसे नहीं ले रहे थे, ऐसे लोग हैं। हालांकि मेरा इंटेंशन बिल्कुल ये नहीं होता कि मैं फ्री में खाऊं, मैं हमेशा पैसे देता हूं, रिक्वेस्ट करके देता हूं, नई बात बनती तो कहता हूं भाई डिस्काउंट कर लो लेकिन पैसे ले लो, क्योंकि मेरा मिजाज ऐसा नहीं है कि हम फ्री फंड में खाते फिरें। लेकिन भाई हर हालत किसी भी कंडीशन में पैसे लेने को तैयार नहीं होते हैं। फैसल भाई जो कल्लू नहारी की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उनको भीड़ में से पैसे दिए कि फैसल भाई पैसे ले लो, और जो है मतलब आपने इतनी मेहनत कर रहे हो यहाँ पर और इतनी मेहनत से मुझे नहारी खिलाई है, तो साफ मना कर दिया, बहुत रिक्वेस्ट करी नहीं माने। तो बस यही था आज का वीडियो, मैं कुछ अपनी यादें जो मैंने संजोई हैं अपने कैमरे में, और जो एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, जो मोहब्बत मुझे मिली, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था रमज़ान से पहले। और एक वजह ये भी थी कि मैं बताना चाह रहा था कि रमज़ान में ये दिल्ली फूड सीरीज़ हमारी आएगी, सारे लोगों का थैंक यू करना चाहता था, तो इस वीडियो के ज़रिए वो सारा काम मैंने किया। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, खाने का कुछ नहीं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं वही आपको दिखा रहे हैं, और इन स्टाफ वालों का थैंक यू जिन्होंने हमें यहाँ अलाउ किया और यहाँ बैठ के मैंने आपसे बात करी। कैना बीन्स, आप अगर आते हैं तो
साकेत के DLF में आते हैं तो भैया कहना मीन्स आएँ, यहाँ की कॉफ़ी ट्राई करें, बहुत बढ़िया स्टाफ है, बहुत अच्छी कॉफ़ी है, बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत सुकून से यहाँ मैंने बैठ के बात कर ली। तो बहुत शुक्रिया, इंतज़ार करिए और सपोर्ट करिएगा उन वीडियोस को जो आने वाली हैं, भैया बड़ी मेहनत से बनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।